स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर सॉरी बीएससी थर्ड ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ EHS एबी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो हम लोग तीन एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज चौथा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। देखिए बीएससी थर्ड, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स, ठीक है ना, रिलेट कर चुके हैं। और थर्ड हम पढ़े हैं रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो तीन एप्लीकेशन हम पढ़े हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स कैसे रिलेट करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। और फिर पढ़े हैं प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयंस, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। देखो बेटा, आपको पता है ये चीज तो आप जानते हैं, लिगेंड्स, ठीक। लिगेंड्स किसे कहते हैं आपको मालूम है कि दोज केमिकल स्पीसीज व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा उसको आप कहेंगे लिगेंड्स, ठीक। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा यूनिडेंटेड लिगेंड्स, कौन सा लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब यूनिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है कि दोज लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। जो लिगेंड्स केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है उसको हम कहेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक। जो लिगेंड्स दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको बाइडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे, तीन करेगा तो ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे, चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, कौन सा लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड। अब देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं बेटा वो आपके यूनिडेंटेड लिगेंड्स ही होते हैं, लेकिन जैसे ये देखो यस सी एन ये लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। तो जिस लिगेंड्स में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम प्रेजेंट हो, ठीक है ना, जिस लिगेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम हो, दो, तो उसको कहेंगे हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब देखिए इसमें एस सी एन में यहाँ पर सल्फर जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ ये जुड़ेगा, ठीक। और दूसरा कि यही लिगेंड्स जो है, यही लिगेंड्स में नाइट्रोजन भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम है, एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है। तो जिस लिगेंड्स में दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम प्रेजेंट हो, जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, उसी को कहा जाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं उनमें
दो एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है ना। कि इसमें जरूरत पड़ेगी तो सल्फर आपको जो है सेंट्रल मेटल आयन को यानी लुमिस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, या फिर नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो जो लिगेंड्स जिस लिगेंड्स में दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहेंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। यूनिडेंटेट लिगेंड्स आप जानते हैं जो केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें उसको हम यूनिडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो जैसे मान लो आपका ये सपोज करो ये सेंट्रल मेटल आयन है, क्या है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक। अगर ये सेंट्रल मेटल आयन देखो SCN हमने लिख दिया, तो इसका मतलब कि जो SCN के लिगेंड्स है इस लिगेंड्स में कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, सल्फर ने, किसको सेंट्रल मेटल आयन। फिर यही कॉम्प्लेक्स आपका ये भी बन सकता है NCS, NCSA। अब इसमें कौन डोनेट किया है, तो कॉम्प्लेक्स आपका तो सॉरी लिगेंड्स वही है, ठीक है ना। अब इसमें कौन डोनेट किया सेंट्रल मेटल आयन को, ये कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो अब इसके आधार पर जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, कौन सा लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आपको एकदम पता है कि वह यूनिडेंटेड लिगेंड्स जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उसको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। तो द यूनिडेंटेड लिगेंड्स विच कंबाइन द यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स विच कंबाइन which can bind to the central metal ions, to the central metal ions through two donor atom, through two donor atom are called as ambidentate ligands, called as ambidentate ligands, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इन SCN, अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल में SCN ग्रुप बोथ सल्फर एंड, देखो बेटा इन SCN ग्रुप बोथ sulfur and nitrogen atom may act as electron पेयर डोनर। अब देखिए जो आपका ये ग्रुप है SCN, अब जो SCN ग्रुप है इसमें सल्फर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जिसके कारण हम इसको कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, क्या कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट थ्रू सल्फर एटम टू फॉर्म, कोऑर्डिनेट
थ्रू सल्फर कोऑर्डिनेट थ्रू सल्फर एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट थ्रू सल्फर एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स पीटी फॉर्म कॉम्प्लेक्स पीटी सीएससीएन पीटीएससीएन होल टाइम सिक्स टू माइनस ए कॉम्प्लेक्स वेयर एज इट कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन वेयर एज इट कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन टू फॉर्म CO ENC yes whole time six three minus अब देखो बेटा इस एग्जांपल में ESCN आपका क्या है, ये है एमिडेंटेड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सल्फर भी और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन। ठीक, मान लो सल्फर आइटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, जैसे ये प्लेटिनम है सेंटर मेटल आयन है ये प्लेटिनम को सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक, और जो आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें देखो वही यूनिडेंटेड लिगेंड्स एमिडेंटेड लिगेंड्स है जिसमें नाइट्रोजन कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है ना, अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो the reason for this is that Pt4 plus ions is soft. Pt plus 4 ion is soft acid. To prefer soft base sulfide ions। अब देखिए, अब जो आपका इसमें इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम आपका सॉफ्ट एसिड है। तो जब प्लेटिनम सल्फर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सल्फर सॉफ्ट बेस है, सल्फर बिहेव कर रहा है ये सॉफ्ट बेस जैसा और प्लेटिनम बिहेव कर रहा है सॉफ्ट एसिड जैसा। तो यहाँ सॉफ्ट इंटरेक्शन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, ये बनेगा। ठीक, अगर यहाँ पर कहिए कि नाइट्रोजन ये प्लेटिनम, यहाँ हम सल्फर के स्थान पर नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखें, तो नाइट्रोजन इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि पीटी जो आपका पीटी प्लस फोर है ये सॉफ्ट एसिड है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये हार्ड एसिड है। कैसे, क्या है, हार्ड एसिड है। तो यहाँ अगर नाइट्रोजन यहाँ आप रखते हैं सल्फर की जगह तो यहाँ प्लेटिनम सॉफ्ट है और नाइट्रोजन आपका हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, वो लेस स्टेबल इंटरेक्शन होता है, लेकिन प्लेटिनम और सल्फर जो है ये दोनों सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट बिहेवियर है, प्लेटिनम सॉफ्ट एसिड जैसा सल्फर सॉफ्ट बेस ऐसा बिहेव करता है, इसलिए आपका ये कॉम्प्लेक्स जो है वो मोर स्टेबल होगा। ठीक, तो अब देखिए दैट प्लेटिनम फोर आयन्स इज सॉफ्ट एसिड टू
refer to soft base sulfide ions and more stable complex and more stable complex. तो ये complex क्या होगा? More stable होगा. और इसमें देखिए CO NCS में, अब CO NCS में जो आपका CO है तो ये है CO3 plus. ये क्या है? CO3 plus है. अब CO3 plus जो है आपका ये hard acid है. क्या है? Hard acid है. अब इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है. नाइट्रोजन क्या है? हार्ड बेस है. यहाँ इंटरेक्शन कैसा है? हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगा, इसलिए क्या है आपका? मोर स्टेबल होगा. ठीक है, इसको मिटाते हैं. फिर इसके बाद ऑन द अदर हैंड्स on the other hands CO3 plus is a hard acid which prefer to hard base that is nitrogen atom of NCS minus. ठीक, अब देखिए NCS minus, अब इसको एक्सप्लेन करिए. आप देखिए जैसे ए है पी टी एस सी एन होल टाइम सिक्स टू माइनस, यहाँ है सी ओ सी ओ एन सी एस होल टाइम सिक्स थ्री माइनस. देखो यहाँ पर जो आपका ए कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ए पी टी प्लस फोर, ए पी टी प्लस फोर आपका सॉफ्ट एसिड है और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है इसमें? सल्फर. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है आपका सल्फर. तो सल्फर जो है ये देखिए आपका जो ये सल्फर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. ठीक है ना, ये सल्फर. तो सल्फर का बिहेवियर जो है वो आपका क्या है? ये है सॉफ्ट बेस. ठीक है, क्या है? सॉफ्ट बेस. तो इसमें जो इंट्रैक्शन है वो कौन सा इंट्रैक्शन है? सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच इंट्रैक्शन है, इसलिए ये क्या है? मोर स्टेबल होगा. ये कंपाउंड स्टेबल है. कैसा कंपाउंड है? स्टेबल कंपाउंड है. ठीक, अब इसमें देखिए इसमें जो है आपका ये CO3 प्लस और ये है आपका इसमें ये CO3 प्लस बिहेव कर रहा है. कैसा है? ये है आपका हार्ड एसिड जैसा बिहेव कर रहा है. हार्ड एसिड जैसा बिहेव कर रहा है. ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग आइटम जो है आपका ये नाइट्रोजन है. क्या है? नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन जो है ये हार्ड बेस है. क्या है? हार्ड बेस. अब ये हार्ड बेस है. ठीक, अब यहाँ पर इंटरेक्शन जो है हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है. एच एस ए बी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ये भी क्या होगा? मोर स्टेबल होगा. क्या होगा? मोर स्टेबल होगा. अगर हम यही कहें इसको ऐसे लिख दें पी टी एन सी एस होल टाइम सिक्स, अब यहाँ पर हो जाइए टू माइनस. अगर इसमें कह दें कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तो आप कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा. ये कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल होगा? क्या यहाँ पी टी प्लस फोर सॉफ्ट बेसिक है, सल्फर जो है वो सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन है, इसलिए मोर स्टेबल होगा. अगर कोई आपसे कहे ए कॉम्प्लेक्स तो आप कहेंगे ए कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये पी टी है ये सॉफ्ट बेस एसिड है और नाइट्रोजन जो है वो सॉफ्ट बेस हार्ड बेस है. यहाँ सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शन होगा, इसलिए क्या होगा? लेस स्टेबल होगा. ठीक, इसी तरह से इसमें देखो जैसे ये है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सी ओ एस सी एन
होल टाइम सिक्स, यहाँ कर दें ये थ्री माइनस। अब अगर आपसे पूछा जाए ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो आपका ये स्टेबल है। क्यों ये स्टेबल है? क्योंकि यहाँ अभी अभी आप देखने देखा कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, इसलिए मोर स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए CO3 प्लस आप देख रहे हैं हार्ड एसिड है, और यहाँ सल्फर जो है वो क्या है, साफ्ट बेस है। यहाँ हार्ड साफ इंटरेक्शन है जो कि लेस स्टेबल है, ठीक है ना, इसलिए ये भी स्टेबल नहीं है। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट एप्लीकेशन है अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। क्या है? अक्रेंस ऑफ मिनरल्स एप्लीकेशन फाइव, पांचवी एप्लीकेशन है HSAB प्रिंसिपल का, अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। अच्छा, दी अक्रेंस ऑफ मिनरल इन नेचर, दी अक्रेंस ऑफ, अक्रेंस ऑफ मिनरल इन नेचर, द अक्रेंस ऑफ मिनरल इन नेचर इज एक्सप्लेन, इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो देखिए बेटा अकरेंस ऑफ मिनरल, ठीक है ना, अकरेंस ऑफ मिनरल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब देखिए द मैग्नीशियम, ध्यान दो, द मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम, तीन मेटल मैग्नीशियम कैल्शियम एंड एल्युमिनियम अकर इन नेचर एज, अकर इन नेचर एज MgCO3, CaCO3 एंड Al2O3। अब बताओ कि इसको आप कैसे, देखो ये मिनरल है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट्स है, Al2O3 है, एलुमिना है, ये नेचर में कैसे हैं। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ध्यान दो, जैसे MgCO3, तो MgCO3 ये है Mg2+ और ये है CO3-। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे ये है CaCO3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Ca2+ और ये है CO3 हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये है आपका एल्युमिनियम, ये देखिए ये हो जाएगा आपका Al3+ और ये हो जाएगा O2-, ठीक है ना, O2- हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए MgCO3 में ये मैग्नीशियम क्या है आपका, मैग्नीशियम है आपका हार्ड एसिड, और ये देखिए जो कार्बोनेट है ये है आपका हार्ड बेस। ठीक, तो जब ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस है, तो HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन कैसा है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, हार्ड एसिड हार्ड बेस के बीच इंटरेक्शन है, इसलिए ये क्या है आपका मोर स्टेबल है और नेचर में पाया जाएगा अक्रेंस। ठीक, यहाँ पर देखिए एक कैल्शियम आपका है, एक कैल्शियम क्या है आपका हार्ड एसिड है, ठीक, और ये देखिए कार्बोनेट आयन आपका है ये, और ये कार्बोनेट आयन क्या है आपका है हार्ड बेस है, ठीक है ना, यहाँ हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, इसलिए ये भी क्या है आपका मोर स्टेबल है। यहाँ पर एल्युमिनियम प्लस जो है आपका ये 3+, ये क्या है हार्ड एसिड है, और ये क्या है आपका ये हार्ड बेस है, ठीक है ना, इसलिए ये नेचर में पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, इसलिए ये भी स्टेबल है,
ठीक है ना, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होने के कारण ये क्या है, ये स्टेबल है। हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होने के कारण ये स्टेबल है। हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होने के कारण ये क्या है, आपके स्टेबल है, ठीक है ना। अच्छा फिर देखिए, ठीक आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है, जैसे अब देखिए, जैसे क्या ये पॉसिबल कंपाउंड है, ए नेचर में अक्रेंस है MgS मैग्नीशियम सल्फाइड। अब यहाँ पर वजह देख लीजिए, ये बहुत कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए Mg K2+ आपका ये हार्ड एसिड है, ठीक, और यहाँ पर जो ये सल्फाइड है ये आपका सॉफ्ट बेस है, क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना। तो ऐसे ये कंपाउंड आपका नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे ये है, ये आप देखिए Ag2S, देखो जैसे ये है Ag2S, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, और ये देखिए HgS क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ठीक है ना। तो फाउंड इन नेचर, क्यों फाउंड इन नेचर, वही तो। अब देखो फाउंड इन नेचर, जैसे आपका ये है Ag2S, तो Ag2S ये क्या है, 2Ag+, और ये क्या है, सल्फाइड माइनस। तो अब Ag+ आपको पता है ये है आपका सॉफ्ट एसिड है, ठीक है ना, और सल्फाइड भी आपको मालूम है ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इंटरेक्शन साफ साफ है, इसलिए फाउंड इन नेचर, Ag2S फाउंड इन नेचर। अब देखिए जैसे HgS है, ये देखिए Hg2+ क्या है, सल्फाइड माइनस। अब Hg2+ जो है ये आपका क्या है, सॉफ्ट बेस है, क्या है, सॉफ्ट बेस है, और ये क्या है आपका, सॉरी सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट एसिड है, और ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना। यहाँ भी इंटरेक्शन कैसा है, साफ साफ है, तो साफ साफ इंटरेक्शन होने के कारण Ag2S HgS फाउंड इन नेचर, वाई MgS CaS आर नॉट फाउंड इन नेचर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए Ni2+ Cu2+ एंड Pb2+, देखिए फिर Ni2+ Cu2+ Ni2+ Cu2+ और है एक आपका Pb2+ अकर इन नेचर, Pb2+ अकर इन नेचर बोथ, अकर इन नेचर बोथ कोऑर्डिनेट, बोथ कार्बोनेट एंड सल्फाइड, बोथ कार्बोनेट एंड सल्फाइड। अब देखो इसमें, अब Ni2+ Cu2+ Pb2+ अकर इन नेचर बोथ कार्बोनेट एंड सल्फाइड, यानी निकिल कार्बोनेट, तो निकिल कार्बोनेट क्या होगा, NiCO3, CuCO3, PbCO3, ठीक है ना, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। फिर सल्फाइड के रूप में जैसे NiS, CuS और ये PbS। वही क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो निकिल 2+, कॉपर 2+, लेड 2+, Pb2+ है, ये जो है ये देखिए कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके कार्बोनेट भी पाए जाते हैं और सल्फाइड भी पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपके ये आयंस हैं, ये आयंस आपके जो है बॉर्डर लाइन एसिड, क्या है, ये है आपका बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड, ठीक है ना। अब जब ये बॉर्डर लाइन एसिड है
कैसा एसिड है? बॉर्डर लाइन एसिड। ठीक, तो जब ये बॉर्डर लाइन एसिड है ये बिहेव करता है दोनों से, साफ से भी बिहेव करेगा और हार्ड से। तो जैसे इसमें ये देखो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट क्या है? हार्ड एसिड है। यहाँ पर कार्बोनेट क्या है? हार्ड एसिड है। यहाँ कार्बोनेट क्या है? हार्ड एसिड। सॉरी, कार्बोनेट हार्ड बेस, ये हार्ड बेस, ये हार्ड बेस है। ठीक, और ये क्या है? आपको बॉर्डर लाइन है। तो ये बॉर्डर लाइन जो है, बॉर्डर लाइन एसिड होने के कारण जो है ये इससे आपके कार्बोनेट के फॉर्म पाए जाएंगे। और ये सल्फाइड, ये सल्फाइड, ये सल्फाइड क्या है? आपके सॉफ्ट बेस है। और ये क्या है? बॉर्डर लाइन एसिड है। तो बॉर्डर लाइन एसिड होने के कारण जिसे आपसे पूछा जा सकता है कि Ni2 प्लस Cu2 प्लस Pb2 प्लस जो होते हैं ये कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो आपको यही जवाब देना है कि Ni2 प्लस Cu2 प्लस Pb2 प्लस कैसे हैं? बॉर्डर लाइन एसिड है। ठीक है ना, ये बॉर्डर लाइन एसिड है। और बॉर्डर लाइन एसिड जो है ये हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस दोनों से इंटरेक्ट होता है। ठीक है ना, इसलिए ये पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट छठा एप्लीकेशन है। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। अब देखिए, आप जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट वे एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को या तो डिक्रीज कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट, जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं इनके कैटलिटिक पावर को जो होते हैं, ठीक है ना, ये पॉइजनिंग कैसे खत्म हो जाती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HACCP प्रिंसिपल। तो पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HACCP प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो HACCP प्रिंसिपल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, जैसे प्लेटिनम है और आपका पैलेडियम है, यहाँ हम लोग पॉइजनिंग ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HACCP प्रिंसिपल। ठीक है ना, अब एग्जांपल देखिए, जैसे आपका ये पैलेडियम है और ये है आपका प्लेटिनम। तो आप देखिए पैलेडियम और प्लेटिनम, ध्यान दीजिए, ये बिहेव करते हैं एज ए सॉफ्ट बिहेवियर होता है। इनका बिहेवियर कैसा होता है? सॉफ्ट बिहेवियर होता है। ठीक है ना, प्लेटिनम और पैलेडियम ये दोनों बिहेव करते हैं एज ए सॉफ्ट एसिड। कैसा बिहेव करते हैं? सॉफ्ट एसिड जैसा बिहेव करते हैं। और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉस्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है ना, ये बिहेव करते हैं, ठीक है ना, ये बिहेव करते हैं सॉफ्ट बेस जैसा। कैसा बिहेव करेंगे? सॉफ्ट बेस जैसा बिहेव करेंगे। ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये बिहेव करेंगे कैसा? सॉफ्ट बेस जैसा बिहेव करेंगे। ठीक, अब ये जो बेस है, ये बेस ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो आपके ये कैटलिस्ट है, ये क्या है आपका पैलेडियम और ये प्लेटिनम, ये क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक है ना,
तो ये दीज बेस, दीज बेस, दीज बेस मीन्स दीज बेस कौन कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, फास्फोरस एंड आर्सेनिक एडजॉर्ब, एडजॉर्ब ऑन दी, ऑन दी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम एंड पैलेडियम, देन एक्टिव साइट आर ब्लॉक्ड, एक्टिव साइट आर ब्लॉक्ड, ठीक है ना। देखो दीज बेस, दीज बेस मतलब कौन, दीज बेस कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, आर्सेनिक एक एडजॉर्ब हो जाते हैं किसके सरफेस पर, जो आपका कैटलिस्ट है प्लेटिनम और पैलेडियम, इसके सरफेस पर ये एडजॉर्ब हो जाते हैं। जब इसके सरफेस पर ये एडजॉर्ब हो जाएंगे तो जो उसका एक्टिव साइट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और जब एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगा तो उसके जो कैटलिटिक पावर है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिहेव करते हैं एज ए पॉइजन। तो पॉइजन का बिहेव कैसा हुआ कि जो आपका कैटलिस्ट है इसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट बेसिक, और जो आपके ये हैं बेस देख रहे हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनका नेचर कैसा है, सॉफ्ट है। तो यहाँ इंटरेक्शन क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन तो होगा ही, साफ साफ इंटरेक्शन होगा, और जब साफ साफ इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है जो उसकी एक्टिव साइट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी कैटलिटिक पावर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। लास्ट एप्लीकेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेवेंथ एप्लीकेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ईएचसीएबी प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन ऑन दी बेसिस ऑफ ईएचसीएबी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के या रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ ईएचसीएबी प्रिंसिपल। द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, रिएक्शन depends on the ईएचसीएबी principle, depends on the ईएचसीएबी principle, hardness and softness of acid and base, hardness and softness of acid and base, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट को हम डिटर्मिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आपका यह ईएचसीएबी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन आपका खत्म होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन या तो सेक्शन बी का या तो सेक्शन
सी का आना कन्फर्म है और इस साल आया भी था। इस साल जो पेपर हुआ 2020 में पूछा गया था और हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना, कि एच एस ए बी प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन हमने इसको डिटेल्स में आपको बताया, ठीक, और जो नया आए उसको पूछ लिया करिए। थैंक यू।